हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अजय। आज हम साल 2021 में आई फिल्म ओल्ड के बारे में बात करने वाले हैं। इस फिल्म में दर्शाया गया है कि कुछ लोग एक प्राकृतिक बीच पर फंस जाते हैं और उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फिल्म के शुरुआती पलों में हम देखते हैं कि एक कपल मिस्टर एंड मिसेस के पर अपने दो बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। गाड़ी में बच्चे यानी कि ट्रेंट और मैडिक्स एक गाना गुनगुना रहे होते हैं। रिसोर्ट में पहुंचने के बाद रिसोर्ट का मैनेजर उनका स्वागत करता है और रिसोर्ट में अंदर पहुंचने पर मैडिक नाम की एक महिला उनके लिए जूस लेकर आती है। इसके बाद मिस्टर एंड मिसेस केपर के बच्चे कैंडी खाने के लिए एक स्टॉल पर रुक जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात एडलिक से होती है। एडलिक रिसोर्ट मैनेजर का भतीजा होता है। अब हम देखते हैं मिस्टर एंड मिसेस के पर अपने रूम में बात कर रहे होते हैं, तभी मैडिक्स और ट्रेंट बीच पर जाने के लिए कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं। मिस्टर के पर बच्चों की चुटकी लेते हुए कहते हैं कि बच्चों का समुंदर में जाना मना है। इसके बाद बच्चे मिस्टर केपर के साथ मस्ती करने लगते हैं। फिल्म के आगे बढ़ने पर ट्रेंट और एडलिक बीच पर बैठे हुए कपल से उनका नाम पूछ रहे होते हैं, तभी मैडिक्स वहां खड़ी खड़ी बोर हो रही होती है। हम देखते हैं कि मिस्टर एंड मिसेस केपर अपने तलाक को लेकर अपने रूम में बहस कर रहे होते हैं, तभी एडलिक ट्रेंट को एक चिट्ठी भेजता है जो कि पजल के रूप में होती है। ट्रेंट पजल को सॉल्व करने में व्यस्त हो जाता है। कहानी के आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि बीच के किनारे एक लड़की अपने सारे कपड़े उतार कर नहाने चली जाती है और उसका बॉयफ्रेंड जो कि पेशे से एक रैपर होता है उसे घूर रहा होता है। अगले दिन नाश्ता करते समय मिस्टर एंड मिसेस केपर से मैनेजर कहता है कि यहाँ एक प्रकृति का संजोया हुआ बीच है, आप वहां जाकर अपना वैकेशन एंजॉय कर सकते हैं। दूसरी ओर पास बैठी जेरिन की बीवी को मिर्की का दौरा पड़ता है और डॉक्टर होने की वजह से वह जल्दी ठीक हो जाती है। अगले दिन सभी बीच पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। बीच पर पहुंचने के बाद डॉक्टर की बीवी सेल्फी लेने लगती है। बीच पर मौजूद ट्रेंट मेडिक्स और डॉक्टर की बेटी चुप्पन चुपाई खेलने लगते हैं, तभी ट्रेंट एक पानी के पास गुफा में छुप जाता है और पीछे से एक लड़की की लाश देखकर उसके पास आती है जिससे वह चिल्लाने लगता है और सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। यह लड़की की लाश सेडान की गर्लफ्रेंड होती है। इस वजह से सभी को शक होता है कि सेडान ने ही अपनी गर्लफ्रेंड का खून किया है। तभी वहां जेरिन और उसकी बीवी आते हैं। तब डॉक्टर की गर्लफ्रेंड डॉक्टर के पास आकर कहती है आपकी माँ को कुछ हो गया है। तब वह उन्हें देखने जाते हैं तो उनको दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाती है। मिसेस केपर और मिस्टर केपर अपने बच्चों को ढूंढते हुए जेरिन के पास आते हैं और कहते हैं क्या आपने हमारे बच्चों को कहीं देखा है। तब जेरिन मिसेस केपर से कहता है क्या आप मुझसे मजाक कर रही हैं, क्योंकि आपके बच्चे मेरे सामने ही तो बैठे हैं। लेकिन मिसेस केपर अपने बच्चों को पहचान नहीं पाती हैं क्योंकि उनके बच्चे लंबाई में और आयु में बड़े हो गए थे। अब बीच पर मौजूद सभी लोग डर जाते हैं और बीच से निकलने के लिए दो दो जनों की टीम बना लेते हैं। लेकिन जैसे ही वह उस बीच से निकलने की कोशिश करते हैं वह बेहोश होकर गिर जाते हैं। होश में आने के बाद मिस्टर एंड मिसेस केपर डॉक्टर से ट्रेंट और मेडिक्स को देखने के लिए आती है क्योंकि उनके बच्चे कल 6 बरस के थे लेकिन आज वो 11 बरस के हो गए हैं। डॉक्टर तीनों बच्चों का चेकअप करने के बाद मिसेस केपर की बात पर यकीन करने लग जाता है क्योंकि वास्तव में बच्चे अब बड़े होने लग गए थे। मूवी के अगले सीन में हम मेडिक्स और रैपर सेडान को बात करते हुए देख सकते हैं। सेडान मेडिक्स से कहता है कि उसके खून में एक दुर्लभ बीमारी है। इसी तरह सभी लोग इकट्ठा होकर यहाँ आने की वजह जानने लगते हैं। तब उन्हें मालूम लगता है कि इस बीच पर मौजूद सभी लोगों को कुछ न कुछ बीमारी है। सभी मिसेस केपर बेहोश होने लगती हैं क्योंकि उनके कैंसर होता है और उनका ट्यूमर लगातार बढ़ रहा होता है। तब वहां मौजूद डॉक्टर और जेरिन जो कि नर्स होता है उनके पेट को काट कर उस ट्यूमर को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और इसमें भी सफल हो जाते हैं और मिसेस केपर की जान बच जाती है। कुछ समय के बाद रैपर सेडान जोरों से चिल्लाता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड की लाश पूरी तरह से गल गई थी, जबकि ऐसा होने में कई साल लगते हैं। सभी यह देखकर चौंक जाते हैं और
ज़्यादा डर जाते हैं। मिसेस कैपर सभी को यह बताती हैं कि इस बीच पर टाइम नॉर्मल टाइम से ज़्यादा तेज चल रहा है और यहाँ का आधा घंटा हमारी ज़िंदगी के एक साल के बराबर है। फिल्म के आगे बढ़ने पर हम देखते हैं ट्रेंट और कारा अब बहुत बड़े हो चुके हैं और कारा ट्रेंट के बच्चे की माँ बनने वाली होती है। यह देखकर सभी के पैरों से जमीन खिसक जाती है। कुछ समय के बाद कारा बच्चे को जन्म देती है जो कुछ मिनट तक जिंदा रहने के बाद मर जाता है क्योंकि उसकी बॉडी बीच पर हो रहे बदलाव के लिए तैयार नहीं थी। तभी कारा के पिताजी जो कि डॉक्टर होते हैं अपनी मानसिक बीमारी की वजह से जेरिन पर हमला कर देते हैं और कुछ समय के बाद सेडान पर हमला करते हैं जिसमें सेडान की मौत हो जाती है। यह सब चट्टान पर मौजूद एक आदमी चुपके से देख रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि जेरिन सभी लोगों की जान बचाने के लिए बीच से तैर कर बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन इस कोशिश में उसकी मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर की मानसिक बीमारी को देखकर सभी का शक यकीन में बदल जाता है कि रिसोर्ट वालों को पहले ही मालूम था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और उन्होंने फिर भी हमें इस बीच पर समय बिताने के लिए भेज दिया। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर की बेटी कारा अपने बच्चे को ट्रेंट को देकर चट्टानों की ओर चढ़ने लगती है। ट्रेंट मरे हुए बच्चे को दफना कर कारा से कहता है कि कारा तुम नीचे आ जाओ क्योंकि ऊपर जाने से तुम बेहोश हो सकती हो और ऐसा ही हुआ। कारा के बेहोश होने की वजह से वह नीचे गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। मूवी के आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि जेरिन की वाइफ पैट्रिसिया को मिर्गी का दौरा पड़ने लगता है और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। टाइम के साथ मिस्टर कैपर की आंखें भी कमजोर होने लगती हैं और उन्हें सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है। इतने में ही रात होने को आती है। रात होने पर डॉक्टर को वापस दिमाग की दौरा पड़ता है और वे मिस्टर एंड मिसिस कैपर पर हमला करने लगता है। मिसिस कैपर बचकर अपने बच्चे ट्रेंट और मेडिक्स को गुफाओं में छुपने के लिए भेज देती हैं और आकर अपने पति मिस्टर कैपर की जान बचाने के लिए डॉक्टर को मार देती है। ट्रेंट और मेडिक्स को गुफा में एक रोने की आवाज आती है। वह रोने की आवाज कारा की माँ यानी कि डॉक्टर की गर्लफ्रेंड की होती है जिसे कैल्शियम की कमी की बीमारी थी। कैल्शियम की कमी की वजह से वह अजीबोगरीब दिखने लग गई थी। वह कारा की मौत का जिम्मेदार ट्रेंट को मानती है और उसे चोट पहुँचाने की कोशिश करती है लेकिन कैल्शियम की बीमारी की वजह से उसका शरीर अकड़ने लगता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब बीच पर सिर्फ मिस्टर एंड मिसेस कैपर व उनके दोनों बच्चे ट्रेंट और मेडिक्स ही जिंदा बचे रहते हैं। समय बीतने के बाद मिस्टर एंड मिसेस कैपर की मृत्यु हो जाती है और जैसे तैसे रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह ट्रेंट अपनी बहन मेडिक्स से कहता है कि क्या हम कभी इस बीच से बाहर निकल पाएंगे। उसकी बहन मेडिक्स हाँ में सिर हिलाकर जवाब देती है। तब ट्रेंट कहता है क्यों ना आखिरी बार एक रेप का महल बना लिया जाए क्योंकि हम कल बच्चे थे। इसी सब में उसे एडल की चिट्ठी याद आती है और वह उसे सुलझा कर पढ़ने की कोशिश करता है जिसमें लिखा होता है माय अंकल डज नॉट लाइक कोरल यानी कि मेरे अंकल को कोरल पसंद नहीं है। कोरल पानी में उगने वाले पौधे होते हैं। तब मेडिक्स और ट्रेंट को यकीन हो जाता है कि कहीं ना कहीं इस बीच से निकलने का रास्ता कोरल से होकर जाता है। अब ट्रेंट और मेडिक समुद्र में कोरल से होकर रिसोर्ट के दूसरी ओर पहुंच जाते हैं। यह सब चट्टानों पर खड़ा हुआ आदमी देख रहा होता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि ट्रेंट और मेडिक्स की पानी में डूबकर मृत्यु हो चुकी होती है। इसके बाद वह अपने बॉस यानी कि रिसोर्ट के मैनेजर को कॉल करता है और बताता है कि इस प्रोजेक्ट के सभी लोग मर चुके होते हैं। इतना कहकर वह अपने कैब को लेकर लैब के लिए निकल जाता है जहाँ कई सारे डॉक्टर मिलकर काम कर रहे होते हैं। रिसोर्ट का मैनेजर मरे हुए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखवाता है और अन्य डॉक्टर से कुछ जरूरी ऐलान करने की कहता है। तब वह डॉक्टर बताता है कि हमने पैट्रिसिया नाम की पेशेंट को जो मिर्गी की दवाई दी थी वह कामयाब रही जिस पर सभी डॉक्टर ताली बजाते हैं। दूसरी ओर ट्रेंट वहां बैठे पुलिस ऑफिसर से जाकर कहता है कि आप पुलिस वाले ही हैं तो यह काम कीजिए। उसके बाद पुलिस वाला पूरा पुलिस का बैकअप बुला लेता है और रिसोर्ट के मैनेजर को रंगे हाथों पकड़ लेता है और ट्रेंट सभी के सामने उस रिसोर्ट और वहां के स्टाफ की पोल खोल देता है। फिल्म के लास्ट में हम देखते हैं कि ट्रेंट और मेडिक पुलिस के हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां का निरीक्षण कर रहे होते हैं। इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों यदि आपको यह फिल्म पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।